अमीर गरीब लंच बॉक्स। काशी नाम के गांव में नरेंद्रा नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत अच्छा इंसान था। वो अपने नौकरों के बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता था। नरेंद्र के बेटे ध्रुव की उसके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने वाले नायक की बेटी श्रेया के साथ अच्छी दोस्ती थी। नायक उन दोनों को स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन श्रेया और ध्रुव दोनों साथ साथ लंच कर रहे थे। ध्रुव के लंच बॉक्स में बर्गर, चिप्स जैसे कई किस्म के पकवान थे, लेकिन श्रेया के कैरेज में सिर्फ चावल और अचार था। ये देखकर ध्रुव श्रेया से, श्रेया मेरा बर्गर लो ना, तुम हर रोज ये चावल और अचार क्यों खाती हो, वो थोड़ा मुझे दे दो। तब श्रेया, नहीं, मम्मी ने कहा है जो कुछ हमारे पास है उसी में गुजारा करना चाहिए। वैसे तुम्हें पता है हमारा घर में माँ हर रोज चिकन बनाती है। यूं कही रही थी कि तभी एक अमीर लड़का दीपू वहाँ पहुँचा और, हाँ अच्छा चिकन बनता तुम्हारा घर में रोज, आज शाम ध्रुव तुम्हारे घर जाएगा और चिकन खाएगा। क्यों ध्रुव, हम मांगते तो कुछ देता ही नहीं, श्रेया को तो बर्गर दे रही हो। तब ध्रुव, देखो दीपू, यू गरीबों का मजाक नहीं उड़ाते, वैसे तुम्हें इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तब दीपू, देखो ध्रुव, इन गरीबों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर किया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तब ध्रुव, देखो दीपू, ये सब बकवास छोड़ो, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ मिलकर खाओ, तब हम अपना लंच बॉक्स अदला बदली करके खाते हैं, वरना तुम्हारा मर्जी। तब श्रेया के साथ खाना बिल्कुल पसंद ना होने के बावजूद ध्रुव के कारण दीपू को उनके साथ खाना पड़ा। यूं हर रोज वे तीनों अपने लंच बॉक्स का अदला बदली करके खाने लगे। ऐसे में एक दिन नरेंद्र के घर जीतू नाम का एक नया ड्राइवर जो काम पर लगा था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। नायक ने उसे पकड़कर खूब मारा। तब नरेंद्र ने नायक को रोका और जीतू को वहाँ से भेज दिया। तब से जीतू नायक और नरेंद्र को अपना दुश्मन मानने लगा। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन स्कूल में लंच टाइम हुआ। सब लंच के लिए जा रहे थे कि तभी श्रेया ने देखा कि दूर स्कूल का वॉचमैन और जीतू आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। ये देखकर चुपके से श्रेया उनके पास गई और उनकी बातें सुनने लगी। वॉचमैन जीतू से कह रहा था, देखो भैया, इतने पैसों की बात हुई थी, मैं मुझे ज्यादा देना होगा, मैंने उसके लंच बॉक्स में नशीली दवाई मिला दी है, उसे खाकर जैसे ही ध्रुव बेहोश हो जाएगा तुम उसे लेके चले जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। श्रेया ये सुनकर घबरा गई। वो दौड़े दौड़े दीपू के पास गई। उसने दीपू के हाथों में ध्रुव का लंच बॉक्स देखा। तब उसने जीतू और वॉचमैन की सारी बातें उन्हें बताई। तब दीपू, क्यों श्रेया, तभी तो तुमने ध्रुव का लंच बॉक्स खाया था, आज उसके स्पेशल पिज्जा पर तुम्हारे नजर पड़ गई क्यों? मैं नहीं देने वाला। तब श्रेया, देखो दीपू, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो वो लंच बॉक्स मुझे दे दो, मैं खाकर दिखाती हूँ, अगर मैं जूती निकली तो मैं कभी तुम्हारा या ध्रुव का लंच बॉक्स नहीं खाऊंगी, और तुम दोनों को मेरे साथ दोस्ती करने की भी जरूरत नहीं है, समझे? कहकर उसने दीपू के हाथ से लंच बॉक्स छीना और गबा गब खाने लगी। बाद में बेचारी बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर सारे टीचर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या हुआ कह के पूछा। तब दीपू और ध्रुव ने वॉचमैन के बारे में सब कुछ बताया। तब सब टीचर्स ने जाकर जीतू और वॉचमैन को पकड़ा और उन्हें खूब मारा। बाद में उन्होंने श्रेया को अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के बेड में लेटे हुए श्रेया के पास दीपू और ध्रुव पहुँचे। दीपू श्रेया से, श्रेया मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी अच्छी लड़की हो, अब से हम सब अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर दीपू श्रेया और ध्रुव तीनों हंसने लगे। वहाँ खड़े उन तीनों के माँ बाप ने ताली बजाई।